अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। एंड आई एम स्टिल इन कराची और मैं एक नए ब्लॉग के साथ आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, और दैट इज़ लकी वन मॉल। लकी वन मॉल जो है, हम काफ़ी अरसे से सोच रहे थे विज़िट करने के लिए, लेकिन हमें टाइम नहीं मिल रहा था। अफ्तारी के बाद हिम्मत नहीं होती शॉपिंग की, या थोड़ी सी शॉपिंग भी करनी थी, तो वी थॉट के चलो रोज़े में ही थोड़ी सी शॉपिंग की जाए। हम मिनिस आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं कि स्किन प्रोडक्ट्स जो हैं और लोशंस, लिप बाम्स, फेशियल क्लेंजर्स, दे हैव एवरीथिंग और बहुत अच्छे होते हैं। तो मुझे एक फ़ेस वॉश लेना था, मैंने फ़ेस वॉश लिया और भी चीज़ें थी तो साथ साथ में देख रही थी। कभी कभी कुछ स्टोर्स में कलेक्शन डिफरेंट होती है। फेस मास्क बहुत अच्छे हैं इनके, 400 के 3 मिल जाते हैं, सो आई गॉट दीज। और इसके अलावा जो है, हम लोग थोड़ी सी और चीज़ें ढूंढ रहे थे, बच्चे अपनी चीज़ें उठा रहे थे, मैं अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले रही थी। ये बॉटल्स देखें, कप्स देखें, कितने क्यूट हैं। आई लव दीज सुपर हीरो वंस, आई विश के मैं अपने ले सकती। तो खैर, हम लोग चीज़ें चेकआउट कर रहे थे, कुछ ख़ास तो नहीं लिया, लेकिन ये था कि मैंने कुछ वाइप्स ले ली, और इसके अलावा बच्चों ने अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले ली थोड़ी सी। और ये सब देखें आप लोग, इस स्टोर में काफ़ी अच्छी कलेक्शन है टू बी ऑनेस्ट। अभी हम लोग यहाँ से फ्री हो चुके हैं, और आप लोग देख सकते हैं मॉल बहुत अच्छा बनाया हुआ है। इट्स अ ह्यूज मॉल, लेकिन एज़ कम्पेयर टू पैकेजेस ज़्यादा बड़ा मॉल है, लेकिन यहाँ पे भी सारे ब्रांड्स आपको मिलेंगे। यहाँ पे काफ़ी बड़ा फूड कोर्ट भी है, और उसके अलावा रेस्टोरेंट्स भी हैं। हम लोग मीम आ गए थे, हमने 2-3 शर्ट्स लिए यहाँ पर, और उसके अलावा यहाँ पे लकी ड्रॉ चल रहा था और स्पिन द व्हील था, तो हमने व्हील स्पिन किया, तो इसमें से जो भी हमारा सेलेक्ट होगा उसमें से हमें वो गिफ्ट मिलेगा, और आइदर नहीं भी मिल सकता। तो उसमें हम लोगों ने कोशिश की कि हमें ज़्यादा अच्छा गिफ्ट मिल सके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी गॉट वन थिंग, दैट वाज टी शर्ट। तो बेसिक्स में उन्होंने एक टी शर्ट हम लोग को चूज़ करवाई थी, तो सेलेक्टिव कलर्स थे, उसमें से हमें एक चूज़ करनी थी, सो वी थॉट दैट विल चूज़ द ग्रे कलर। तो हमने एक ग्रे कलर में एक शर्ट ले ली थी, और फिर उसके बाद जो है कुछ डिटेल्स देनी थी, और उन्होंने लकी ड्रॉ में डाल दिया था। एनी वेज, वी जस्ट लुक्ड अराउंड, हमें कुछ कपड़े लेने थे और भी चीज़ें लेनी थी, तो हमने वो ली, और आप लोग देख सकते हैं इट्स अ वेरी नाइस मॉल। और दिन का टाइम था तो और भी अच्छा लगा था, रश इतना ज़्यादा नहीं था, तो इट वाज़ द राइट टाइम। फिर हम एक स्टोर था बच्चा पार्टी, वहाँ चले गए, हमने थोड़ी सी वहाँ से चीज़ें ली, और फिर हमें काउंटर के पास जो है वो बहुत अच्छा चॉकलेट का स्टॉल्स मिला, हम लोगों को हर तरह की चॉकलेट्स थी और बिस्किट्स थे, तो हमने यहाँ से थोड़ी सी चीज़ें लीं, और हमें यहीं पे ज़्यादा टाइम लग गया। यहाँ पे बच्चों के कपड़े भी हैं, टॉयज भी हैं। सुलेमान को अपनी लॉलीपॉप चाहिए थी, एज़ यूजुअल ही लव लॉलीपॉप्स, तो बस हम वहाँ से इसको दिलाकर सब चीज़ें लेकर हम लोग निकल गए। और बच्चों का प्ले एरिया था काफ़ी बड़ा, लेकिन ऑब्वियसली हमने रोज़ा रखा हुआ था, तो हमारी इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम उस सेक्शन की तरफ जाएं, और इफ्तार का टाइम भी हो रहा था, तो हमने चूज़ किया कि हम लोग जो है वो बाहर इफ्तार करेंगे। और जैसे ही हम लोग यहाँ पर इस एरिया में आए, यू कैन सी वॉल्स पे बहुत ही कमाल की ग्राफिटी हुई थी, इट वाज अमेजिंग, तो मैंने आप लोगों को दिखाना था, इसलिए थोड़ी सी वीडियो बनाई। उसके बाद हमने रॉयल जैस्मिन चूज़ किया था, उसका मेन्यू जो था वो इफ्तार बफे था, सो वी डिसाइडेड कि उसका मेन्यू अच्छा था, डिनर भी था बाद में, तो हम वहीं पे करते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये चाट स्टॉल था जहाँ पे डिफरेंट किस्म की चाट थी, चटनियाँ थी, और इसके अलावा मसाले की भी ऑप्शंस थी, हरा मसाला भी था, बूंदी, चाट, चना, एवरीथिंग। तो हमने अपनी सीट ली, और फिर उसके बाद हम लोग वहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे रोज़ा इफ्तार का। सबसे पहले तो उन्होंने डेट्स और ड्रिंक्स जो थे वो सर्व किए। गर्मी काफ़ी थी, जब तक रोज़ा इफ्तार नहीं हुआ था तो बहुत शदीद ह्यूमिडिटी एक तरह से कह सकते हैं कि हो रही थी। तो इसके बाद हमें बस ये था कि जल्दी से रोज़ा खुले, अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा खोल लिया हमने। अब हम लोग खाना ले रहे हैं, इसमें मिक्स पकौड़े हैं, मिर्चों के मिक्स पकौड़े, आलू के, तो हमने एक ही प्लेट में सब कुछ लेकर चले गए थे क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था और इफ्तार का भी टाइम था, तो जितना हम लोग खा सकते थे हमने सब ने शेयर किया। और इनका मेन्यू काफ़ी बड़ा था, फ्रूट चाट थी, और इसके अलावा मिक्स क्रीम चाट थी,
समोसे थे कीमे के और आलू के, दही फुल्कियाँ, दही बड़े, और थोड़ा सा हमने पानी पूरी ली, और इसके अलावा ये कोई अरबिक समोसा थे। तो ये हमने चाट रखी है, इसके अलावा हमने सब कुछ मिक्स करके और हम ले आए हैं, शवरमास भी थे। तो सब हम लोग जिसको जो खाना था हम खाते रहे। चाट मज़े की थी, काफ़ी स्पाइसी थी, फ्रूट चाट भी अच्छी बनी हुई थी, और दही बड़े जो थे वो आप खुद बना सकते हैं। समोसा मैंने ट्राई नहीं किया था, और विंग्स बहुत मज़े के थे, विंग्स मुझे वाकई में बहुत अच्छे लगे। हलीम भी थी, स्प्रिंग रोल, और ये सब हमने खा पी के फिर उसके बाद जो है नमाज़ का टाइम हो गया। फिर उसके आधे पौने घंटे के बाद जो है वो तकरीबन उन्होंने डिनर सर्व किया था। डिनर के मेन्यू में मोस्टली चाइनीज़ था, चाउमीन था, उसके अलावा बीफ, स्टर फ्राइड बीफ था, चिकन की कुछ ग्रेवीज़ थी, और बहुत किस्म की ग्रेवीज़ थी, लाइक स्वीट एंड सावर से लेकर ऑयस्टर सॉस में, और चाउमीन बहुत मज़े के थे, लिटरली बहुत अच्छे बने हुए थे। नान था, उसके बाद देसी मेन्यू स्टार्ट हो गया था, और देसी मेन्यू में जो था वो हमारे पास एक तो बिरयानी थी चिकन की, उसके अलावा जो था वो चिकन मसाला था, और उसके बाद ये है कोरमा, चिकन सॉरी मटन कोरमा था, और फिर ये मिक्स सब्ज़ी थी। मिक्स सब्ज़ी मैंने ली थी, मिक्स सब्ज़ी अच्छी थी, और सीख कबाब थे, सीख कबाब जो है वो फ्रेश डाल रहे थे बार बार उसमें, और उसके अलावा टिक्का था और प्रॉन टेम्पूरा था, प्रॉन टेम्पूरा बहुत मज़े का बना था। ये डिज़र्ट कॉर्नर है, डिज़र्ट कॉर्नर में जो है वो डिफरेंट किस्म की पेस्ट्रीज़ हैं, केक्स हैं, और पुडिंग्स थी, खीर थी, और गुलाब जामुन थे। तो बस हमने खाना पीना करके और इफ्तार करके उसके बाद हमने वापसी की तैयारी की, हम शॉपिंग भी कर चुके थे, और अब हम वेट करें गाड़ी का, गाड़ी आ चुकी है हमारी, और हम अब घर की तरफ जा रहे हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, और मज़ीद वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको व्लॉग और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।